न्यूली मैरिड कपल। क्या कुछ कहेंगे लोहड़ी का सिख समाज, छत्तीसगढ़ का बहुत जबरदस्त आयोजन हो रहा है, समाज को जोड़ के भी रखते हो आप, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। कोविड के समय में हम लोगों ने देखा कि सिख समाज छत्तीसगढ़ ने बहुत मदद की। आज उल्लास का समय है कि फसल तैयार हो गई है पंजाब में और से भी हमारे यहाँ भी दिखते हैं। सिख समाज छत्तीसगढ़ हर वर्ष लोहड़ी का यह त्यौहार मनाया जाता है। विशेष तौर पर लोहड़ी जो है पंजाब में जब फसल पूरी तैयार हो जाती है और किसान जब अपनी लहलहाती फसल को देखता है और खुश होकर जिस तरीके से हर्ष और उल्लास से गिद्दा और भांगड़ा करता है, महिलाएं घर में रेवड़ी चिवड़ा और दूसरे अन्य जो सामग्रियां हैं वो वितरित करती है और बड़े खुशी के साथ हम लोग लोहड़ी जलाते हैं और लोहड़ी की परिक्रमा करते हैं। आज हम लोग इसी का आयोजन किए हैं और इसमें हमारे जो नए युवा हैं जिन लोगों का विवाह इसी वर्ष हुआ है उन लोगों को उनको पेयर को बुलाए हैं और जिनकी पहली लोहड़ी है, ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसमें 4 माह का बच्चा भी है और 1 वर्ष का बच्चा भी है जो अपनी पहली लोहड़ी यहाँ पर मना रहा है और लोहड़ी की परिक्रमा करके और ईश्वर को याद करेगा। हमारे गुरु नानक देव जी ने जो हमको सीख दी है उसका पालन करते हुए हम लोग लगातार यही कार्यक्रम करते रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसी तरीके को से समाज को जोड़कर रखा जाए, समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर यहाँ की जो महिलाएं और जो हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटियां हैं जो आयोजन करती हैं उससे हम सब लोग बहुत खुश होते हैं और यही आयोजन आज यहाँ पर में रायपुर ग्रीन में हम लोग कर रहे हैं और विशेष तौर पर यहाँ पर हमारे सभी समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। सिख समाज लगातार मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के साथ में युवाओं को रोजगार देने की भी बात की, सारे आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन भी करते हैं तो सपोर्ट सब मिलता है आपको। निश्चित रूप से सिख समाज छत्तीसगढ़ बेसिकली हर वर्ग के लिए काम करने के लिए तैयार रहता है। जब कोविड के समय में या ऐसी बहुत सारी परेशानियां हमारे कई समाज के लोगों के बीच में आई थी तो हम लोगों ने रोजगार देने का भी काम किया, उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का भी काम किया और जो दूसरे अन्य मेडिकल सामग्रियां थी वो भी देने का काम किया। तो सिख समाज छत्तीसगढ़ अपने समाज के लिए हर वर्ग के लिए काम करने के लिए तैयार रहता है और हम लोगों का ये प्रयास होता है कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई विसंगतियाँ ना आए, समाज के लोग एक मंच पर रहें, खुश रहें और छत्तीसगढ़ में जो हमारा भाईचारा बना हुआ है वो हमेशा कायम रहे। सिख समाज छत्तीसगढ़ एक और अच्छा काम कर रहा है कि आवास की भी व्यवस्था, आप जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि बेघर जो हैं लोग उनको घर भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है और बहुत जल्दी हम लोग इस योजना का को मूर्त रूप देने जा रहे हैं, लगातार हम लोगों के प्रयास रहते हैं। अभी जिस तरीके से आप देखेंगे कि सिख समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा जहाँ हमारे गुरु नानक देव जी आए थे गढ़फुलझर में, वहाँ भी एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हम लोग बना रहे हैं। अभी वहाँ पर थोड़े दिन पहले ही जो 4 कमरे और जो हॉल बनाया गया था उसमें भी हम लोग लेंटर डालने का काम कर चुके हैं। बहुत जल्दी वहाँ पर हम लोग होली के दिन में वहाँ पर मैं गुरुद्वारे का निर्माण भी करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं। भव्य गुरुद्वारा जो है नानकसर में, निश्चित रूप से 9 मार्च को हमारा अगला कार्यक्रम होगा वहाँ पर और एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा वहाँ पर बनने जा रहा है जिसका उसी दिन हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं। अरदास करने के बाद वहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण होगा और छत्तीसगढ़ का एकमात्र होला मोहल्ला वहाँ पर में फूलों की होली के रूप में हम लोग वहाँ पर मनाएंगे और एक बड़ा आयोजन हम लोग वहाँ उस दिन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। अल्पसंख्यक की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ में आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं तो सिख समाज के अलावा और भी समाज के देखिए यहाँ पर तो सभी समाज के लोग अपने भाईचारे के साथ में रहते हैं और ऐसी कोई भी अप्रिय स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। हम सब लोग जिस तरीके से रहते हैं, मिलते जुलते हैं, सभी के तीज त्यौहार में जाते हैं, सभी के कार्यक्रमों में जाते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत ही संवेदनशील हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से काम करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं।